कीर्तन। हे नंदू, यहाँ क्यों बुलाया है? तुमने मेरा आज का दिन बहुत ही स्पेशल बना दिया। मैं सोच रहा था हमें बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे पहले करते थे, विद अ ग्लास ऑफ रेड वाइन। ऑफ कोर्स यू रिमेम्बर। ऑफ कोर्स आई डू। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या कर रही हैं? केटी जी, नंदिनी के लिए इतनी अदाकारी कर ली, कुछ आपकी पत्नी के लिए भी होना चाहिए ना। रेड वाइन है, पीती हो तो पी लो। रहने दो। समझ में नहीं आता प्रीति, तुम कीर्तन की मूवीज ना देखती हो, ना उनके नाम जानती हो, ना उन्हें पसंद करती हो, और तो और तुम कीर्तन के साथ उसकी खुशी सेलिब्रेट तक नहीं कर सकती। तो आखिर तुम कर क्या सकती हो अपने पति के लिए? मानती हूँ कि मैं इनकी फिल्में नहीं देखती, उनके नाम नहीं पता, शराब नहीं पीती, शायद उनके सुख में उनका साथ ना दूं, लेकिन मैं ना वो पत्नी हूं जो इनके दुख में हमेशा साथ दूंगी। मैं ये बात तुम्हें क्यों समझा रही हूं? ये बात तो मेरे और केटी जी के बीच की है। आप तो समझते हैं ना केटी जी। क्या करिए, छोड़िए ना पीछे, माफ कीजिए। सोके कीर्तन, यू नो कभी कभी ना इसकी तड़प पर मुझे तरस आता है। चीयर्स। ऑफ कोर्स टू अस। टू अस। सालों के बाद नंदिनी लौट कर आई है, क्या मकसद हो सकता है उसका? ये उगलवाना बहुत जरूरी है और मेरे पास उसके लिए एक तरकीब है। अगर हम उसके ड्रिंक में कुछ मिला दें तो वो नशे में थोड़ी बहक जाएगी और तभी वो अपने आपे से बाहर आएगी और अपना सच उगलेगी। हाँ कीजिए जी, टेढ़े लोगों से काम निकालने के लिए ना टेढ़ा रास्ता ही अपनाना पड़ता है। राम जी की घोड़ी मारी छोरी को भगाने की हिम्मत कैसे हो ली? और छोरी की मां से परमिशन लेने आया है? बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ जा, ले आप पानी पी ले, पी पी पी। अब मारी बात ध्यान से सुन, ऐसे भाग दौड़ के ब्याह करने की जरूरत ना है, स्थितियां इतनी भी खराब ना है। मैं जानू थारी बड़ी मां की खोपड़ी थोड़ी मोटी है, पर छोरा प्रेम सबने पिघला देवे, और थारी होने वाली सास भी तेज थारी तलवार से कम ना है। वो तो कौशल्या जी को ऐसी मना लूंगी, उसके लिए पर असंभव ना है। उसके बाद तू सबके सामने बारात लेके घोड़ी पे बैठ के आना, इस तरह से 11 नंबर की बस पकड़ के मत आना। देख छोरा माँ हूँ, टेढ़ी हूँ, छोरे को परखना तो बने, पर अब छोरा मारे को थारे प्रेम पे पूरा भरोसा है। आजा आजा आजा, बड़ी हिम्मत है थारी पसंद में, मारे को उसकी दिलेरी बागी, तुम दोनों का ब्याह मैं करवाऊंगी, पर सबके आशीर्वाद से, पूरे रीति रिवाज से।
तो अब छोरा अब घर जा अपने। खुश रहो। साची कहूं इस छोरे की नजरों में ना मारे को वैसा ही प्रेम दिखे जैसे थारे पिताजी की नजरों में मारे को दिखता था। तभी तो इतने साल पहले मैं उनके साथ भागने को तैयार हो गई थी। तुम दोनों का ब्याह मैं कराऊंगी, बस पहले ये प्रीति की जिंदगी से नंदनी नाम का भूचाल हट जावे, फिर ब्याह की बात छेड़ूंगी। सच में माँ? अरे मैं कूद जाऊंगी रिश्ता लेके। थैंक यू माँ। आराम से। मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है तुम्हें? अरे कम ऑन नंदू, तुम मूड खराब मत करो। मैंने तो क्या क्या प्लान बना के रखा था कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और इधर उधर नहीं सज्जनपुर लेकर जाने वाला था मैं तुम्हें। वाओ सज्जनपुर। यस मुझे जाने चलो। अरे अरे तुम्हें तो नींद आ रही है ना? नींद आ रही तो फिर कैसे जाएंगे? नहीं 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 मुझे जा। इतना जोर से मत बोलो, वो प्रीति जी सुन लेगी तो वो बोलेगी मुझे भी चलना है। कमरे के पास जाके बात करता हूँ। Okay, quietly। आ जाओ। All right। नंदू मेरी बात सुनो। नंदू, ध्यान से मेरी बात सुनो। ड्राइव पे जाएंगे। सुना नहीं। मैं अपने कमरे में जाऊँगा। जैसे ही प्रीति जी सो जाएंगी तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। फोन पे फोन का है? फोन वो बेड पे है ना, तो फोन हाथ में रखना, मैं मैसेज करूंगा तुमको। ओके फिर हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। ओके सोना नहीं, ठीक है? सोना नहीं। ओके ओके मिलता हूँ। सच्चनपुर कौन जाएगा? क्यों जी? अरे मोहतरमा फुल पी के टल्ली हुई है, मतलब सब सेट हो गया प्लान के मुताबिक। तो चलिए अब हम ना अपनी सुरक्षित जगह पर जाकर अगली प्लानिंग करते हैं। आइए। भूल गई ना? अरे सीसीटीवी कैमरा को तो आपने ठिकाने लगा दिया है, वो कहां से देखेगी हमें? भूल ही गई थी मैं तो। फिर अब देखिए प्लान के मुताबिक सबसे पहले मैं नंदिनी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा, उसे बातों में उलझाऊंगा और फिर जब उसका नशा परवान पे चढ़ेगा तब उसकी सच्चाई उगलवा लूंगा। अच्छा आइडिया है। अच्छा केटी जी आप रिकॉर्डिंग करना मत भूलिएगा और उसे ना अभी मैसेज कर दीजिए, नहीं तो वो सो जाएगी। अभी नहीं कर रहा मैं मैसेज। क्यों? अरे अभी तो वहां से आया हूं, अब दोबारा अभी नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा टाइम आपके साथ बिताना चाहता हूं। केटी जी आप ना हाथ छोड़िए, मेरा हाथ तो छोड़िए, ये मजाक का टाइम नहीं है केटी जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, उसे अभी मैसेज कर दीजिए प्लीज। नहीं करेंगे? नहीं। पक्का? ठीक है मैं ही कर देती हूँ, फोन लीजिए ना केटी। अच्छा, जी लीजिए ना। तो आप देंगे फोन? ये क्या मजाक लगा रहे हैं केटी जी, क्या बच्चों की तरह हरकत है? क्यों मुझे फोन दे रहे कि नहीं आप केटी जी? अरे मुझे फोन दीजिए केटी जी। मैं
मैसेज कर दूंगा मैं। कीजिए मैसेज। कर रहे हैं। जा रहा हूँ। शायद भूल रहे हैं, असल में लॉन्ग ड्राइव पे नहीं आया, उससे सिर्फ सच उगलवाने आया है। वही कर रहा हूं प्रीति जी, लेकिन ये है कि नशे में मेरे गले पड़ रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। पर मैं कुछ नहीं कर रहा सच्ची। नंदू नंदू 3 साल हम दोनों अलग अलग रहे ना, एक दूसरे से दूर दूर रहे हैं। 16 साल पहले जब तुम मेरे पास लौट कर आना चाह रही थी ना, तब अगर मैं तुम्हें मना नहीं करता अपना लेता तो इतना वक्त नहीं गवाते ना। काश उस वक्त तुमने मुझे माफ कर दिया होता। आई नो, मुझे भी कभी कभी बहुत अफसोस होता है। अच्छा लेकिन बताओ, अच्छा अकेले अकेले इतने साल कैसे रह, क्या हुआ बताओगे? तुमसे दूर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यहां से जाने के बाद ना मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ बर्बादी मिली। जिस प्यार के लिए मैं रवि के साथ भागी थी, ना तो वो प्यार रहा, ना खुशियां मिली, ना सुकून मिला। फिर उसने अपनी जान ले ली। हाँ लेकिन नंदू, रवि तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग बंदा था, खुश मिजाज था, फिर उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि 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 हाँ क्योंकि बताओ क्या हुआ था? ऐसा कुछ हुआ था तुम दोनों के बीच में? बोलो क्यों, क्या हुआ? छोड़ो ना रवि के बारे में, मुझे बात नहीं करनी। हम ना अपने बारे में बात करते हैं। कीर्तन, एक बार कहो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो एक बार, बोलो आई लव यू नंदू। शुगर गाड़ी रोको। नंदू नंदू वो देखो, वो आइसक्रीम पार्लर याद है वहां पर? वहां वो हम लोग आए दिन ड्राइव पे जाते थे और यहाँ के आइसक्रीम खाते थे, है ना? तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। चले आइसक्रीम खाएं। चलो चलो आजा। केटी जी, नंदिनी का राज निकलवाइए ना जल्दी। क्या करूं, बाहर निकलूं या ना निकलूं? अगर नंदिनी ने देख लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा, लेकिन तरुण भी तो परेशान दिख रहा था। हेलो
जैसे आज मैंने महसूस किया कि गलत सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, तुम्हारे साथ भी हुआ था नंदिनी। बहुत गलत हुआ था, लेकिन तुमने अकेले ही अर्जुन को कैसे संभाला इतने साल? जीने की एक खास वजह मिल गई थी। कैसी वजह? तुम कीर्तन, तुम। अबे कब देगा पैसा? कब देगा? मैं देता हूं, मेरे पास जैसे पैसे आएंगे दे दूंगा पैसे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ मैं प्रीति टिब्रवाल बोल रही हूँ। मैं इस वक्त सज्जनगढ़ के रास्ते में हूँ, ये फ्रॉस्टी हैप्पीनेस आइसक्रीम पार्लर के पास। इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे को कुछ गुंडों ने कब्जे में कर लिया है, आप प्लीज जल्दी आइए, उसकी जान को खतरा है, जल्दी आइए प्लीज। मैं बॉस ने बोल दिया है, अगर तूने आज उनका हिसाब चुकता नहीं किया ना तो तुझे इस दुनिया से छुटकारा दे दिलाना है। आप उनको बोलना मैं कोशिश कर रहा हूँ, पैसे आते मैं दे दूंगा वापस। कब से देख रहा हूँ तेरी सिटी एक ही जगह पे फंसी हुई है, वो हम लोगों को हल्के में ले रहा है क्या? कब देगा पैसा? कब देगा? मैं देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब चलिए वो देखिए, आइए। तरुण तू ठीक तो है ना? हाँ कुछ बोलता नहीं ना इन लोगों ने? इंस्पेक्टर साहब यही लोग हैं, इसे चाकू दिखाकर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, ये मेरा बेटा है, ये अरेस्ट कर लीजिए इन लोगों को। माँ मेरे बिना कुछ बताए कैसे दूर से समझ गई मैं मुसीबत में हूँ। ये लोग कौन है तुम जानते हो? सर टेंशन की कोई बात नहीं सर, माँ को गलतफहमी हुई है, ये तो असल में मेरे दोस्त हैं, हम मजाक मस्ती कर रहे थे, माँ ने गलत समझ लिया, आदत होती ना माँ की फिक्र करने की। I'm sorry, आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई। तू क्या पूछ रहा है? तू डर क्यों रहा है? मैं हूँ ना यहाँ पर, पुलिस है यहाँ पर, तू बोल ना, सच तो बोल, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं घबरा नहीं रहा हूँ, सच में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। सर वी आर सॉरी सर। देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सच बताइए। सर मैं सच ही कह रहा हूँ, दोस्त है मेरे। अरे ठीक है कोई बात नहीं, हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। चल मैं तुझे घर छोड़ती हूँ, आ जा। मेरे बेटे की वजह से आज तुम लोग बच गए, नहीं तो अभी जेल में सड़ रहे होते तुम लोग। आज के बाद मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश भी की ना तो तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चलो जाओ यहां से। सीरियसली बताओ ना, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी कैसे बिताई, मेरे बगैर क्या किया तुमने? मतलब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, तब से लेकर आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। जिंदगी का एक ही तो मकसद रह गया था, प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।